हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें डिफरेंट एंगल्स गिवन हैं और हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने कुछ रूल किए थे पहले और वो रूल आपको यहाँ आने चाहिए। ये देखें, हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इसमें आल पॉजिटिव, साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे टैन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस एक्स और सेकेंट एक्स जो है पॉजिटिव है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो टी रेशो है वो चेंज होनी है कि नहीं होनी है, वो डिसाइड करता है एंगल। तो वो मैंने आपको रूल बताए थे, तो वहाँ पे हमने 3 स्टेप किए थे अगर आपको याद होगा। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, दूसरा था कि जो टी रेशो है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और थर्ड था कि वो टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन, साइन 765 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं आती, आपको वैल्यू आती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाती हैं। हमने क्या करना है कि इस एंगल को हमने ब्रेक करना है, इस प्रकार ब्रेक करना है कि हमारा जो प्लस या माइनस करके आए वो ये एंगल बन जाए। देखिए कैसे, ये देखिए साइन 765 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 360 कितना बन गया 720। तो 720 में कितने ऐड करें कि ये मेरे पास ये एंगल बन जाए। ये देखिए, ये आपने खुद ही डिसाइड करना है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं? वो जो एंगल जो 90 के मल्टीपल में हो। ये देखो 360 जो है वो 90 का मल्टीपल है, तो ये अलाइड एंगल्स की जो हमने वैल्यू वहाँ पे पढ़ी थी उस वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे, ये बन गया साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आपके पास कंपेयर करें, क्या ये बन गया 360 प्लस थीटा, क्योंकि ये जो 360 टू टाइम यहाँ पे टर्न हुआ है, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे, दो बार हो गया, इसने दो टर्न ले लिए फिर वहीं पे पहुँच गया। प्लस 45 का मतलब है कि यहाँ पे आ गया। बात समझाई? ये आपने ध्यान देना है। अब देखें, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी क्वाड्रेंट हैं। चले करें आइडेंटिफाई। 360 2 को भूल जाए, क्योंकि 1 टाइम भी 360 यही पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, मतलब 360 के मल्टीपल यहाँ पे आते जाएंगे और वो 0 भी पहुँच जाएंगे। तो ये जो 0 है प्लस 45 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट नंबर 1, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो साइन है, ये इसका साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरा, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि ये जो साइन है ये चेंज होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करता है? ये एंगल। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पे आता है तो ये चेंज नहीं करता है, अगर वाई एक्सिस पे आता है तो यहाँ पे पाई बाई 2 90 डिग्री, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 270 डिग्री,
तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन का साइन और एंगल क्या है 45 डिग्री। यहाँ भी देखें साइन 360 थीटा, दैट इज साइन और थीटा, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है जी 1/√2। तो मुझे लगता है ये कोई प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड है मेरे पास कोसेकेंड माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री कोसेकेंड, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चेक करें जी, पहले तो ये देखिए कि कोसेकेंड माइनस थीटा, पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कोसेकेंड माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा देखें यहाँ पे थीटा, और माइनस थीटा कहाँ नीचे, जब हम एक्स एक्सिस के नीचे आते हैं, ये जो यहाँ पे माइनस थीटा, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट हुई फोर्थ। इसका मतलब हुआ कि कोसेकेंड माइनस थीटा मतलब कोसेकेंड कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, तो फोर्थ में कोसेकेंड पॉजिटिव कि नेगेटिव, चेक करें कोस और सेकंड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसका मतलब मेरा पास आंसर क्या आएगा माइनस कोसेकेंड थीटा। अप्लाई करें यहाँ पे क्या आ गया माइनस कोसेकेंड 1410 डिग्री। देखने में लगता है कि ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन बाहर नहीं आया, यहाँ हमने ये ला यूज़ किया है कि अगर जो टी रेशो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो वहाँ पे सिर्फ कोज और सेकंड ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो कोसेकंड नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, ये माइनस यहाँ चला गया। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो 1410 डिग्री की वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें तो इनकी वैल्यू पता है, तो हमने इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि यह प्लस करके या माइनस करके जी हमारे पास आ जाए। चलो करें जी, क्या आ गया माइनस कोसेकंड, हाँ जी 1410 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 4 × 360। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 1440 बनता है, और ये कितना 1410 है, तो इसमें से माइनस 30 जो है कर देते हैं माइनस, तो ये आ गया 1410। और क्या ये हमारा अलाइड एंगल्स बन गया, तो लगाएं प्रॉपर्टी अलाइड एंगल्स की क्या है। नंबर वन चेक करें कौन सी क्वाड्रेंट है, अब चेक करें कौन सी क्वाड्रेंट है, 364 टाइम घूमा है, ये देखो 1, 2, 3, then 4, लेकिन 4 पे पहुंचा नहीं है, माइनस कर गया, मतलब यहाँ पे ये यहाँ रह गया कहीं 4 से कम रह गया, तो जब कम रह गया तो कौन सी क्वाड्रेंट है फोर्थ, अगर यहाँ प्लस होता तो ये कहाँ पहुंच जाना था इस क्वाड्रेंट में, ये आपने ध्यान देना, जब माइनस रहा तो इसी क्वाड्रेंट में रहा, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है फोर्थ। अब चेक करें फोर्थ में जो कोसेकंड है, जो टी रेशियो है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कोसेकंड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस और आ गया तो प्लस बन गया। अब थर्ड पॉइंट, क्या टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी, तो 360 डिसाइड करेंगे जी, तो 360 एक्स एक्सिस पे लाइन पे आ रहा, मोटा मोटा याद रखने का तरीका, नहीं चेंज होगा, तो कोसेकंड का कोसेकंड और एंगल 30 डिग्री, और कोसेकंड 30 डिग्री की वैल्यू आपको आती है, नहीं आती है तो आपको कोसेकंड का रेसिप्रोकल कौन होता है साइन, तो साइन 30 की वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है 1/2, तो 1/2 को उल्टा कर दो कितना आ गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन 19π/3, तो इसे हमने चेंज करना है अलाइड एंगल्स में और 2π के मल्टीपल में, तो ये देखें टेन यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 × 2π, तो 3 × 2 = 6, तो ये आ गया π/3। सॉल्व करके देख लें 3 × 2 = 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18π + π 19π/3, तो ये सेम एंगल आ गया। अब ध्यान से देखें ये है 2π + π/3, तो 2π 3 बार घूमा है, तो इसका मतलब ये 2π यहाँ पे 0 2π सेम चीज़,
प्लस पाई बाई थ्री, प्लस पाई बाई थ्री ऊपर की तरफ प्लस हो रहा है, तो कौन सी क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर ली, ये क्वाड्रेंट कौन सी है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जो टैन का साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या ये टैन जो टी रेशो है चेंज होगी या नहीं होगी? कौन डिसाइड करता है? टू पाई। क्या टू पाई एक्स एक्सिस पे क्या ये टी रेशो जो है वो चेंज होगी? नहीं होगी। तो टेन का टेन रहेगा, एंगल कितना है यहाँ पे? पाई बाई थ्री। तो टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू चेक करें, टेन पाई बाई थ्री दैट इज 60। तो टेन 60 जो है मेरे पास क्या आ जाएगा? और रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। तो अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल थीटा है उसके साथ माइनस लगा है, इसका क्या मतलब है? साइन माइनस थीटा, सबसे पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। माइनस थीटा मतलब साइन कौन सी क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो मेरे पास ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन 11 पाई अपॉन 3। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो चेंज करें इसे, ये बनेगा साइन, देखें यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 4 3 12, 12 में से 1 पाई चल गया 11 पाई अपॉन 3, सेम आ गया ये। हाँ जी, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सी है? 4 पाई, 4 पाई देखो यहाँ पे 2 पाई, अगेन 2 पाई, दो बार घूमा तो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे ज़ीरो पे। प्लस, प्लस है कि माइनस है? माइनस है, तो माइनस मीन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सी क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन का साइन क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा। थर्ड क्या है? क्या ये टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि 4 पाई है इस पे है, तो साइन का साइन। सॉरी, तो साइन पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कोट माइनस 15 पाई अपॉन 4। हाँ जी, करें सॉल्व इसे। सबसे पहले देखिए एंगल के साथ माइनस लगा है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कोट माइनस थीटा। तो पहले तो कोट माइनस थीटा को सॉल्व करते हैं। कोट माइनस थीटा मतलब कोट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ में कोट जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट थीटा। तो मेरे पास क्या बनेगा? माइनस कोट 15 पाई अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है ये? अब हमने इसे चेंज करना है अलाइड एंगल्स में, और प्लस जो मेरा या माइनस जो एंगल है वो इन में से कोई आ जाए। तो देखें माइनस कोट, ये देखें क्या मैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकता हूँ? ये 4 इंटू 4 16, 16 पाई में से एक चला गया पाई, तो 15 पाई अपॉन 4। तो ये जो एंगल ये सेम है। अब हमने जी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहला पॉइंट आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सी है? 4 पाई, 4 पाई मतलब पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई। तो यहाँ तक 2 पाई, फिर एक बार दो बार आ गया तो ये जीरो पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा है तो इसके साथ माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है? माइनस कर रहा है, तो माइनस कर रहा है तो इसके पीछे आएगा, तो पीछे आने का मतलब कौन सी क्वाड्रेंट? फोर्थ। ये कौन सी क्वाड्रेंट है?
फोर्थ, फोर्थ में कोट का साइन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? सिर्फ कॉज और सिकंड ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है ये, ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे क्या कोट चेंज होगा, टी रेशियो चेंज होगी, टू का मल्टीपल है, नहीं चेंज होगी, तो क्या बन गया, कोट का कोट ये क्या पाई बाई फोर, आगे कोट पाई बाई फोर वन, दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज खत्म हो गई है।